करसा के राजा श्री श्री पिंकू महाराज पधार चुके हैं। हमारे राज्य के मंत्री महाराज कहाँ हो? आपके पीछे। पीछे देखने में बहुत कमजोर हैं, आगे तो कईयों बार देखे बैठे। अच्छा, आइए बगल में आइए। आ गए, बैठ जाइए। मंत्री जी, महाराज जी, हम करसा के राजा हैं। हो, हमारा व्यवहार का पर्चा वहां रखा है, ले आओ। अवश्य जाओ। हमारे राम जी, डॉक्टर राम जी, डॉक्टर राम जी, राम जी डॉक्टर कब से बन गए? ऊपर से नाम पढ़ो। आप हैं भाई आदरणीय श्याम जी तिवारी। श्याम जी तिवारी जी, श्याम जी तिवारी, नीचे वाला नंबर पढ़ो। राजा सिंह जी चौहान। राजा सिंह चौहान अध्यक्ष जी। अध्यक्ष, तीसरा नंबर पढ़ो। डॉक्टर रामजी द्विवेदी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष रामजी दुबे। हाँ। डॉक्टर है। इनसे हमने एक बार पूछा कि डॉक्टर साहब, ये जब इंजेक्शन लगाते हो तो ये इंजेक्शन ऊपर को क्यों करते हो? अच्छा, तो बोले पिंकू कारण है उसका। हमने कहा क्या? बोले भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान, एक है नीके नीके ठोके हो, आराम तो ठुक जाए। अच्छा, कहूं गड़बड़ ना हुई पावे, भगवान से मनाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब के बाद उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के बाद श्री नारायण जी द्विवेदी। ये उपाध्यक्ष हैं। हाँ, ये उपाध्यक्ष थे। और तुम बाद में पीछे से पेलता हूँ, याद रखना। अरे उपाध्यक्ष के बाद मंत्री जी हैं। हाँ, उपाध्यक्ष सोनू सिंह जी। नहीं, वो बाद में। अच्छा, नंबरदार हैं तो बे, बाद में कहाँ है, वो पहले पैदा हुए थे। अच्छा, नहीं जो लिस्ट है आपके। अच्छा, लिस्ट में नहीं है, वो लिस्ट में नहीं रहते, वो रहते हैं दिल में। वो है सोनू सिंह। अच्छा, चौथा नंबर आप आ गए भाई। पुष्पेन भोलू जी द्विवेदी। भोलू द्विवेदी और पुष्पेन सिंह जी चौहान। हाँ, पुष्पेन सिंह चौहान। जल्दी जल्दी बोलो ना। नवल सिंह जी चौहान और बाबा चौहान। बाबा चौहान, छोटे चौहान, छोटे सिंह चौहान, सोनू भदौरिया। सोनू भदौरिया, चंदन जी पांडे। चंदन पांडे, तन्नू पंडित। तन्नू पंडित, और आप आगे देवेश कुमार जी द्विवेदी। हाँ, और ये शर्मा जी का नाम नहीं लिखे। ये शर्मा रहे बैठे, शर्मा जी का नाम पूछो क्या है। क्या नाम है भाई आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र शर्मा। ये सभी लोग हाँ हमसे कहा करते हैं, क्या महाराज? हाँ, विवाह कर लीजिए। ठीक, नहीं तो इस करसा के राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? सत्य कहते हैं। मैंने इसलिए सबको बुलाया है, डॉक्टर साहब से लगा करके और सोनू सिंह भदौरिया तक। आगे सब लोग, ये शर्मा, ये सब यही है। हाँ, शर्मा, ये सभी हमसे कहा करते महाराज विवाह कर लीजिए, नहीं तो इस करसा के राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मैंने इसलिए सबको बुलाया है, हमारे ब्याहे का व्यवहार। हाँ, वो जरूरी जो आपने किया है, क्योंकि हमें शादी करना है। बिल्कुल करना तो है। तो पहला व्यवहार श्याम जी का। हाँ भैया, श्याम जी तिवारी जी। श्याम जी तिवारी, एको चिड़ैया न मारी, हमारे घर पे है भारी। अरे बैठ जाओ ने, तुम्हें घरे चली गई, इतना पिलीवे तुम काम। हाँ, पंडित श्याम जी तिवारी जी का पहला व्यवहार। दूसरा व्यवहार राजा सिंह जी चौहान। हाँ, अध्यक्ष राजा सिंह चौहान। ये सभी लोग हमारे विवाहे का व्यवहार अति शीघ्रम समर्पयामि। पंडित जी जी, हमको शादी करना है। बिल्कुल करना है। हमको एक बीवी चाहिए। बिल्कुल चाहिए महाराज। अगर हमारी शादी न हुई हाँ तो हम एक लुटिया जल में आगी हाँ लगा के आत्मदाह कर लेंगे। महाराज जी, आप कह रहे एक लोटा जल में आगी लगा करके, जल में कहाँ आग लगती? जल आग तो लगती है पेट्रोल डीजल मट्टी के तेल में। चुप रहो, उसमें हम बम 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 भरेंगे यार। अच्छा,
हमें मरना है, कोई बरना थोड़ो है। ये बात। अरे शादी के लिए मर जाओ ठीक है, बरत का है घूमो। अच्छा, अगर बरी गयो हाँ, और के बाद अगर कहूँ बची गयो ठीक, तब तो मैं देखबो न को करी, बिना कपड़ा के तुम निकल नहीं सकत बाहर। ऐसी बात है, शादी तो शादी रही, हाँ हाँ, दोनों मुँह फली तुम तो न बिछो भाई। पंडित जी जी, हमको व्यवहारिक व्यवहार कितना आया? अबे कुछ नहीं आया, ये आपका व्यवहार है। बहुत खराब व्यवहार है इसका मतलब। नहीं ऐसा नहीं है, व्यवहार हमारा बहुत तगड़ा है। हमारे सब व्यवहारी बैठे हैं, अध्यक्ष कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, आपने पता नहीं क्या, वो सब अंदर है, तो बुलाइए बाहर। अच्छा, हम जान बुला लुल्ल कहीं के। पंडित जी जी, हमको शादी करना है। अच्छा, एक बीबी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, चाहे जैसी हो, जो हंसा जो हंसा उसका घर बसा। तुम यार बहुत बताते हो यार, तुम अपने घर में जाओ थोड़ी देर, नहीं तुमको एनर्जी हो जाएगी, मुंह में हो जाएगा तुम्हारे, उस सबके वहां होता है, तुम्हारे मुंह में हो जाएगा। पंडित जी जी, हमको बीवी चाहिए। बिल्कुल, चाहे जैसी हो। हाँ हाँ, जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा पूछो कभी हंसा। पता नहीं जिसका बसा उससे पूछो, आज तक ना ही हंसो रो रो परे। पंडित जी जी, सास ससुर सर्दी लगे, हाँ, बीबी लगे जुखाम, हाँ, सास ससुर सर्दी लगे, हाँ, बीबी लगे जुखाम, हाँ, साला तो सिर दर्द है, राहत साली बाम कबीरा, राहत साली बाम। बस इतने गाते हैं, ज्यादा गाएंगे तो लोग इनाम देने लगेंगे। पंडित जी जी, मुझे शादी करना है। बिल्कुल करना पड़ेगा। आपके पास कोई कटी फटी पुरानी बीवी पड़ी है? महाराज जी, जो दशा आपकी वही दशा हमारी भी है। अच्छा, तुम हूँ रो रहे हो, जाओ बेटा जिंदगी भर रो ऐसे। पंडित जी जी, हमको बीवी चाहिए, चाहे जैसी हो, चाहे कानी हो, मैं शादी कर लूंगा। महाराज, बीवी लिंगड़ी हो अगर हो तो लाओ। एक बात बताओ, क्या आप कह रहे हो चाहे कानी हो चाहे लिंगड़ी हो, जब आपसे ये करसा वाले पूछेंगे महाराज महारानी तो एक आंख की कानी है, तब क्या कहोगे? अबे कानी हो चाहे नानी हो तो रानी। ये बात है, कानी है तो क्या हुई, रानी बनी। हाँ, रानी तो बनी। तुम्हारे मन हो तो बताओ। नहीं। पंडित जी जी, चाहे बीबी लिंगड़ी हो, हाँ, चाहे लूली हो, हाँ, हे बाबा श्री श्री दयावन बाबा, मैं आपकी तपस्या करूंगा, आप प्रसन्न होकर के हमको बीवी दीजिए। ओम दयावन बाबा नमः। बेटा पिंकू, मैं दयावन बाबा हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है, जल्दी करो, टाइम कम है। यह बर मांगहु कृपा निकेता, पत्नी दई दो पुत्र समेता। हम बिना मेहनत का फल भी लेने को तैयार हैं। ऐसा भी करना चाहते हो? हमको एक बीवी चाहिए, चाहे जैसी हो। हाँ। व्यवहार कितना आया? कुछ नहीं आया ना, हमें की उम्मीदों समझे हो। नहीं, व्यवहार आएगा हमें लग रहा है। नहीं, सुनो भैया, श्याम जी भैया, हमारे चंदन भैया, देव रुपया, छोटे भैया, देव रुपया, सभी लोग आ जाएं और राजा जी का व्यवहार अदा कर दें, आकर के जो इन्होंने आप वाले में किया था। जब डॉक्टर नहीं आ सकता है तो कंपाउंडर कैसे आएंगे? समझ लो। नहीं, डॉक्टर तो बिजी होंगे। पंडित जी, हाँ जी, हमको एक बीवी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अरे चांसी महबू बाहों मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांसी महबू
महाराज लगता है तबला बजा रहे हो कि तबला का मार रहे हो। हाँ तो और आप व्यवहार आ गया क्या? आ गया। अरे इसका मतलब करसा में हमारा व्यवहार है। है वही जगत ना जगत। अगर तुमको ये हजम नहीं होगा तो फिर किसको होगा? हाँ तो फिर तो सब जोकर फिर लयदार नहीं है। अरे नहीं मतलब आनंद तुम भटक रहे हो। नहीं मेरे आनंद आ रहा, हम भटकते नहीं है। और आप है भाई जगत जी कुशवाहा, आपकी ओर से केस तो सुधराए का व्यवहार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चर्चा में एक व्यवहार हमारा है। वो भी जगत पीछे जगत। देखो तीसरा व्यवहार आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये कहीं और जा रहा है, यहीं आ रहा है। 500 रुपए का व्यवहार है, 20 रुपया बोले हो। लेकिन आदरणीय श्री राम बहादुर जी ले, राम बहादुर बैटरी वाले, आपकी ओर से भी केस सूत्रों का व्यवहार आया है। धर्मेंद्र शर्मा का व्यवहार लिखो। अच्छा धर्मेंद्र शर्मा। हाँ धर्मेंद्र शर्मा का व्यवहार 51 रुपए। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जिसे पैसा मैंने सोचा था, जानसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, और आप है भाई अमन जी कुशवा, आनंद का व्यवहार आ गया। और आप आगे भाई रामू जी मास्टर, रामू मास्टर ले। हाँ। ये वही है मास्टर आ गए मगर डॉक्टर नहीं आए। भाई देखो उल्टा उल्टा वाले हैं। हाँ रडुआ सम्मेलन। हाँ और देखिएगा ये जो लाइव जिस माध्यम से धर्म पाठशाला के द्वारा, धर्म पाठशाला को याद रखोगे तो हमेशा पढ़ाई अच्छी होती रहेगी। जय हो। ये बाकी सब बेकार। ये आपके लिए 30 रुपए दे रहे हैं और आपकी शादी में फ्री, लेकिन फोटो ना खींचे हो बस। ये फ्री तो 21 रुपए बेटा काट के दो। नहीं रखे रहो अभी तो काफी पैसा उनके पास है, ऑनलाइन वाला भी वो सुबह उसकी रसीद यहीं रखी। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, जानसी महबूबा हो व्यवहार। महाराज जी पंडित जी जी, ना रस में है ना कस में है, नासिक में है ना वादे, ना रस में है ना कस में है, नासिक में है ना वादे है। एक सूरत भोली भाली सी तो नैना सीधे साधे है, तो नैना सीधे साधे है। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। पंडित जी जी एक बात बताइए। पूछिए। जिस एक बात बताओ ये पूछे। पूछो। अगर जैसे मान लो अगर हमारी शादी न भई तो क्या हम कुंवारे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कुंवारे रहोगे। शादी न भई तो कुंवारे रहे बिल्कुल जिंदगी भर। जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। मरी जेबे तब हम तब भी कुंवारे ही मरोगे। मरे के बाद पैदा हुई जेबे तब हम कुंवारे ही पैदा होगी। अबे तुम ज्योतिषी हो कहा यार, शादी न भई तो कुंवारे ही रहेंगे। अच्छा कहे कुंवारे रहेंगे तो फिर पापा न बनेंगे। पापा कैसे बनोगे आप? जब शादी नहीं होगी तो पापा नहीं बनोगे। हाँ कोनो गाई भैंसिन के बनेंगे। जाओ तो अच्छा कहे पापा न बनेंगे तो पुरखो न तरेंगे। कदापि नहीं। ये सब ऐसे अन्ना घूमिए अन्ना साहब मिल लेने कोनो हाईवे पर मिली तो कोनो पीछे देखो। हाँ पीछे का देखन
पीछे का देखने में बहुत कमजोर है, ये तो सुशील भैया देखा पीछे। ए गुरु जी, हमको एक बीवी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, चाहे जैसी हो। हाँ। अभी अभी वैसे आज तक हमारे परिवार में किसी की शादी नहीं हुई। महाराज जी, आपने कहा हमारे परिवार में किसी की शादी नहीं हुई है, तो फिर आप लोगों की उत्पत्ति कहाँ से भई है? जहाँ से तुम्हारी भई है। अच्छा, हमारी कहाँ से भई मालूम है? हम लोग अवतारी पुरुष हैं। कैसे अवतारी पुरुष हो आप? डायरेक्ट सप्लाई है हमारी। कहाँ से? हम सरकते सरक गए। ओ, सरक से। हाँ, हम पिताजी और बाबा। अच्छा, आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी माने बाबा आपके, तीनों लोग अचानक सरकते सरक गए। अच्छा, पूछो सरक कैसे गए? कैसे सरक गए? वो कोरोना की वजह से बाउंड्री नहीं बन पाई थी ना। यार भैया बहुत अल्लाम से पकड़ाओ यार। वाह भैया, सबके वहाँ होता है, आप लोगों के मुंह में है, बहुत दिक्कत है, इसकी दवा कोई नहीं है, वहाँ का होता तो हम दिला देते। पंडित जी, जी हम लोग अवतारी पुरुष हैं। अवतारी तो हो, वो तो लग रहा है। हमारी डायरेक्ट सप्लाई हुई है। ओ, मानना पड़ेगा। हम लोगों का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन भी हुआ है? हाँ, सरकते सरक गए, नॉन स्टॉप पाताल पहुँचे। ओहो, नॉन स्टॉप पाताल। शेषनाग जी देख के सनसनाए। शेषनाग बोले, बोले आप लोगों को किसने बनाया? ठीक, हमने कहा आराम करो, हम लोग अपने आप बन के आए हैं। अच्छा पंडित जी, जी जिस समय हमारी बारात मिथिलापुरी में पहुँचेगी, ठीक, हमारी बारात का स्वागत होगा। बिल्कुल होगा स्वागत, लेकिन काहे से? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी स्वागत के लिए। कंपनियां आएंगी? कौन कौन सी? थोड़ा इसको दूर से बोला करो, सुनाई पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कौन सी? जैसे टाटा, बाटा, लखानी, रूपानी, स्वदेशी, गोल्ड स्टार, यून स्टार, बबलू छाप, हवाई, कोल्हापुरी, नागरा, पैरागॉन, दे भरा भर स्वागत। महाराज, ये कंपनियां हैं कि कंपनियों के नाम हैं? नहीं, कंपनियों के मालिक आएंगे। अच्छा, तुम क्या समझ रहे हो? जूता चप्पल चली है। हम तो समझ रहे थे। तुम जाएगे भूखे हो, आए थोड़ों में। हम नहीं भूखे। अच्छा, इसके बाद हमारी अगवानी होगी। ठीक, अगवानी तो कैसे होगी? ऐसे ससुर साहब आएंगे। हाँ। तुई जरी के मिट्टी तेल भर लाएंगे, हमारे ऊपर उड़ेल देंगे। फिर सासू जी आएंगी, फिर माचिस जलाएंगी, फिर नीचे से लगा देंगी। अच्छा। हम बम 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 भरेंगे, आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे बराती आई, हम सपना रोड लाइट रनिया। महाराज जी, व्यवहार नहीं आ रहा आपका। अब जितना आना था वो आ चुका। नहीं तो व्यवहारी आपके फिर कैसे? हमारे व्यवहारी क्या है, ये सब तुम्हारे बेटा मुंह देखे का है। अच्छा। तुम्हारा मुंह देख लिया, व्यवहार कम हो गया। पंडित जी, जी इसके बाद हमारी अगवानी जब हो जाएगी। हाँ। तो हम भौरी के लिए बुलाए जाएंगे। बिल्कुल बुलाए जाओगे। क्या भौरी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो ये पाटा पड़े हुई है? बिल्कुल पड़ेगी। एक इस तरफ एक इस तरफ। हाँ। पंडित जी मंत्र बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। ओम ससेन्द्रो बद स्वाहा सुसका विश्वधा ओम ओम स्वाहा बिटेवा पाटम बैठा। क्या बिटेवा पाटम बैठ जाएगी? अवश्य बैठेगी बालिका। हम इधर बैठे होंगे। बिल्कुल बैठोगी। बिटेवा इधर बैठी होगी। बिल्कुल। ऐसा लगेगा जैसे दीपावली में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति धरी हो। क्या बात है। फिर पनी कहेंगे ओम नो नोम स्वाहा। हाँ। बिटेवा का हाथ लड़का के हाथे में धरी दे। कह गुरु, जब बिटेवा का हाथ हमारे हाथे में धरा जाई तो यार कई गुल 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 लागी। आई लागी जैसे कोनो हमारे हाथे में छे नगर रसगुल्ला धर दी। फिर पनी कहेंगे ओम नो नोम स्वाहा बिटेवा के मांग में सिंदूर ठांस दे। ठांसना नहीं, भरना है। भरना है? हाँ। तुम सही पकड़े हो। हाँ, क्योंकि साफ हवा। फिर पनी कहेंगे ओम नो नोम स्वाहा बिटेवा गांठी लड़का गांठी में जोड़ दे। हाँ। हम तुरंत गांठी खोला तुरंत फिट। अरे ना महाराज, ये गांठ नहीं जोड़ना है। काहे, हम पहले जाएंगे। गांठ जोड़ी जाएगी पेरी और पछिया की। पेरी पछिया? हाँ। ये कौन पहनता है? अरे पेरी पहनती है लड़की। हाँ। और पछिया पहनता है लड़का। लड़की क्या पहनती है? पेरी। बियाह कैंसिल। क्यों? अब हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगी? हम समझ गए बिटेवा पेरी का है पहनती है। का है पहनती या बिटेवा इसलिए पेरी पहनती है कि या बिटेवा लड़का का जिंदगी भर पेरी। अगर ऐसा सब लोग करने लगे तो पूछो। पूछेगा? पचाए पचाए घूम रहे हैं।
पचाओ, हम खुद पचा रहे। ये बताइए, पूछिए। अब मैं अपनी मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान करता हूँ। हाँ। मेरे राज्य के मुचंडो, मेरे राज्य की रक्षा करना दोनों मुचंडो, मैं मिथिलापुर के लिए जाता। ठीक है। मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते, मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। यहाँ कोई इंतजार, अरे वाह। और यही आप है भाई बुक्का जी, आपकी ओर से भी 10 ससुराल प्रदान हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। यही मिथिलापुरी है? हाँ यही मिथिलापुरी है। आइए राजा साहब। यार ये लोग वाकई में कुछ सोचे न बोले, बोले थे मतलब। आप लोग शादी करने आए सब लोग? क्यों शादी करोगे? पहले अपन मुंह देखो। पहले हम करेंगे, बाद में तुम लोग करोगे, अगर बची तब। और मान लो शादी न बची, भंडारा है शादी का, यहाँ भंडारा हो रहा है शादी का। अरे वाह, बड़े बड़े लोग शादी करने आए हैं। ले आए जिनका अब बाथरूम में बैठे तमीज नहीं है। यहाँ कोई इंतजामकारी है? आइए राजा साहब। कहाँ हो? देखो तुम्हारे सामने। अरे वाह राजा साहब, तुमने सभी राजाओं के सामने हमारी इज्जत की। हाँ? मैंने तुम्हारी इज्जत ली। अब मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। ये हैं? ये आगे कर लिया करो। ये हमारे पैर हैं? कहाँ है ये? देखो सामने, ये क्या है? ये देखो पैर तो नीचे है तुम्हारे। आपका? हम नीचों के पैर नहीं छूते हैं। क्यों? नीचों पैर झुक करके ही छुए जाते हैं। अच्छा लाओ छू ले। खुश रहो नाराज रहो। ये कैसे? ये है आदान प्रदान। कैसे? काहे तुम आप पाए पाए, हम आप भैंसी खुर हैं। का ऐसा नहीं है? अच्छा ये बताइए हमारी शादी हो जाएगी? हाँ ये देखो सामने। फिर आगे बोलो तुम, हम जितना पूछे उतना बताओ, शादी हो जाएगी? हो जाएगी। तुम कुछ जल्दी में ज्यादा रहते हो। जल्दी में नहीं, तभी तुम बाबा बन गए हो। अगर तुम आराम से होते तो बाबा न बनते, बाबू बने होते। ये बताइए शादी हमारी किसके साथ होगी? शादी आपकी लड़की के साथ होगी। हटो दूसरा इंतजामकारी वो है, जरा उससे बात करें। हटो जाओ उधर बैठो जाके। जरा ये कहिए जी, तुम कुछ अच्छे आदमी लग रहे होंगे। चलो तुम इधर बगल में खड़े हो, इस तरफ दोनों लोग खड़े रहो। कुछ तुमसे पूछूंगा कुछ तुमसे। ये बताओ शादी हमारी किसके साथ होगी? शादी आपकी लड़की के साथ होगी। लड़की? जी। कहे अगर मान लो लड़की के संग नब है जी, तो इनका भेजो। ऐसा नहीं महाराज। नहीं हमारे पिताजी को होते हैं, बिटेवा मिले तो मिले, नहीं तो चाहे जो को मिले। अच्छा ये बताइए जी, उठा ये बताओ लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र 6 वर्ष है। ले हम शादी करने आए कि पोलियो पियाने आए? नहीं महाराज, आप विवाह करने आए। अच्छा ये बताइए शादी कैसे होगी? शादी देखिए सामने जो दहेज का सामान। अरे दहेज का नहीं है। ओहो मंत्री जी, जी। मैं जानता हूँ ये क्या है। क्या है ये? ये लगता है किसी पहलवान या किसी फौजी की उघड़ी मूछें धरी। महाराज जी अच्छा, ना ये किसी पहलवान की और ना ही किसी फौजी की उखड़ी हुई मूछ है, ये तो भगवान भोलेनाथ के दिए हुए अजगो है जो हमारे यहाँ मिथिला में आज तक चला, बस यही विवाह का लक्ष्य है। अरे बहुत यार क्लिष्ट तुम भी बोलते हो। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है अजगो। अजगो कहे आज का है गो महाराज। अरे इसका नाम है धनुष। चाप है? चाप साहब तो जोगी योगी बुलवाओ यहाँ। नहीं ये है धनुष। इसका संक्षेप में एक और नाम बता रहा हूँ, इसका नाम है धनुष। जय हो बन मनुष्य। अच्छा इसको क्या करना? इसको उठाए चढ़ाए तोड़े।
महाराज इसको क्या करना है? इसको उठाना है। काहे से? हाथों से। हम राजा हैं कि नरेगा के लेबर हैं? नहीं, आप राजा हो। उठाना है जी। और ठीक है, हम एक उठामन, भगवान आप लोगों का उठाओ। नहीं, आप लोगों का नहीं, आप। अच्छा, उठाना है, फिर चढ़ाना है। कहाँ? लोडर पर? नहीं, ये जो देख रहे प्रतिंचा, इसके जो देख रहे बीच में प्रतिंचा, प्रतिंचा को खींचना है। तमंचा को खींचना? अरे डोरी, जो ये डोरी बंधी हुई है। ओहो, जो खींचेगा डोरी उसे मिलेगी छोरी जी। अच्छा, उठा ले, चढ़ा दे, फिर क्या करे? तोड़े। बस दो खंडों में विभाजित करना है। कहने के भाव ये, इसको दो खंडों में तोड़कर अलग कर देना है। तुम्हारे लोगों के बाप की चीज आई है? नहीं महाराज। अब कह दो धनुष तोड़ डालो, फिर कह दो सामेना फाट डालो, फिर कह दो तखट तोड़ डालो, फिर कह दो तुषारी का मार डालो, फिर कह दो गांव भर में गोबर डालो। महाराज, अगर ऐसा नहीं करेंगे ये हमारे नहीं होगी। ये हमारे पिताजी की चीज नहीं है। ठीक है, तुम्हारे महाराज की प्रतिज्ञा है जी। उठावे चढ़ावे तोड़े ले जाए जी। मेरी भी प्रतिज्ञा है। वो कौन सी? बिटेवा दिखाओ। लड़की आ रही है वरमाला लेकर के, और जो आप समझ रहे हैं बालिका, वो नहीं बालिका, अलौकिक है। ठीक है, तुम अलौकिक हो। नहीं, उठा रहा हूँ। उठाइए। उठाए। एक हाथ लगाए कि दोनों? अरे दोनों लगा ले। हाँ, कौन तुम लोग उनके बाप के आए? उठा रहा हूँ। उठाए। बिटेवा नहीं है? अरे आ रही भाई, आ रही है, अब तो उठ ही जाएगा। बिटेवा बहू नहीं? अरे आ रही है, विलंब थोड़ी, हम तुमको इतना पेलेंगे, रुको भाई। अच्छा, आ रही भाई, आ रही है, तो उठ ही जाएगा। दिखा देते तो कहा हुई? अरे आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। पंडित जी, जी इसमें हम ज्यादा ताकत नहीं लगा सकते। क्यों? हमारा सिलेंडर लीकेज कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अगर मैं धनुष को तोड़ दूंगा तो तुम लड़की मेरे साथ भेजोगे? बिल्कुल निश्चित। पक्का? अगर मैं धनुष को तोड़ूंगा लड़की भेज दोगे? निश्चित। अगर हम धनुष का न तोड़ पामन तो लड़की के साथ हमका भेज जाओ? ऐसा नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू हाउस, मैं शादी ऐसी नहीं करता। एक बात पूछे आखिरी, हाँ या ना में उत्तर करना। क्या तुम पहले भीख मांगते थे? नहीं यार, ये सब नहीं। और अभी तक आप सभी लोग हस्त कला का दर्शन और मनोरंजन ले रहे थे। आप अपना ध्यान पुनः लीला